अब माइनिंग जोन में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए माइनिंग में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑक्सीजन बाग लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में अटेला माइनिंग जोन में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 10,000 पौधे लगाते हुए कई स्थानों पर ऑक्सीजन बाग लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान क्रशर व माइनिंग जोन में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए संचालकों को संकल्प भी दिलाया। क्रशर यूनियन द्वारा शुरू किए गए अभियान के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पी राघवेंद्र राव के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आयोजित विचार गोष्ठी में अपने विचार रखे। साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए माइनिंग के साथ साथ क्रशर संचालकों को संकल्प दिलाया और पौधारोपण करते हुए माइनिंग जोन में 10,000 पौधे लगाए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि इस क्षेत्र में ऑक्सीजन बाग लगाने के अलावा प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए व्यापक व पुख्ता प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अवैध माइनिंग ओवरलोडिंग मामले में सख्ती बरतने वे कार्रवाई करने की बात भी कही। क्रशर यूनियन प्रधान सोमवीर घसोला ने कहा कि एनजीटी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पौधारोपण अभियान शुरू किया है जो लगातार जारी रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पी राघवेंद्र राव ने कहा कि माइनिंग जोन में फिलहाल 10,000 पौधे लगाते हुए ऑक्सीजन बाग लगाने का अभियान शुभारंभ किया गया है। माइनिंग में क्रशर जोन में नियमों की उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि माइनिंग जोन में ऑक्सीजन बाग लगाने का अभियान बेहतर है, वहीं माइनिंग के साथ क्रशर जोन में पौधे लगाने के अलावा लगातार पानी का छिड़काव भी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध माइनिंग व ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कमेटियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज हमारा मकसद ये था कि पर्सनली विजिट करके अपने आंखों से देखें माइनिंग कैसा होता है, क्रशर कैसा होता है, इनका क्या समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को दूर कैसे करना है, सभी से बातचीत करके कानून के मुताबिक क्या समाधान हो सकता है ढूंढने के लिए आए। पोल्यूशन नेचुरली ये सारे चीज़ जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो पोल्यूशन रिलेटेड ही है। सो इन्होंने कुछ समस्याएं बताए हैं जो सड़कों का खराब स्थिति बता रहे थे, इस तरह का कैपेसिटी के बारे में बता रहे थे, पानी के बारे में बता रहे थे। हमने ये निर्णय लिया था कि एडीसी साहब का अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी सभी इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना रिकमेंडेशंस मेरे को भिजवाएंगे। हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन साहब आए, चेयरमैन साहब के लिए हमने आज उनका एक प्रोग्राम रखवाया था। हमने यहाँ पॉल्यूशन के लिए ही 10,000 पेड़ नए लगवाए हैं, जो कि पूरे जिले में पर्यावरण बचाने के लिए 10,000 पेड़ पूरे जिले में क्रेशरों पर, हरेक क्रेशर के ऊपर जितने पेड़ लगे हुए थे उसके ऊपर 30-30, 40-40, 100 पेड़ तक अलग से लगवाए। उसके बाद में हमने हर माइंस के ऊपर 400-500 पेड़ हर माइंस पर लगवाए, जो कि हमारी टोटल गिनती 10,000 से ऊपर बनती है। 10,000 से ऊपर हमने पेड़ आज एक साथ चेयरमैन साहब के लिए लगवाए हैं। और जो हमारी कुछ समस्याएँ थी